नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्य विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी विभागों के मंत्री जनपद में जाकर अपने अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ जनता तक कितना मिल रहा है इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा गांव में जाकर चौपाल भी लगाया जाएगा और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा, आज ये मेरा गोरखपुर जनपदीय दौरा है, चूंकि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जितने हम सहयोगी मंत्री हैं सभी जनपद जनपद जा करके अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक और भी विभागों की जो नई नई योजनाएं काम कर रही हैं उसका देखरेख भी करते हैं, हम लोग निरीक्षण भी करते हैं और कहीं कुछ दिखता है कम बेसी तो उसको अपना समझाते हैं, बात करते हैं। उसी दौरान हम आज गोरखपुर, चूंकि हमारे देवरिया जनपद के बगल सटा हुआ है और मैं और 43 जनपद कर चुकी हूँ लेकिन गोरखपुर बीच में मैं नहीं कर पाई थी, तो अपने विभागीय आज समीक्षा बैठक करूंगी, चौपाल भी करूंगी, क्योंकि मैं हर जनपद में जहां जाती हूं तो अपने अनुसूचित बस्ती में एक चौपाल जरूर रखती हूं। कहा जिसी दौरान मैंने एक अनुसूचित बस्ती में चौपाल भी रखा हुआ है और विभागीय निरीक्षण भी करूंगी कि मेरे विभाग से क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है।